आलू मेथी की रेसिपी तो हम बहुत तरीके से बनाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से तड़का लगाते हैं। आज मैं स्पेशल तड़का इसमें लगाऊंगी। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंचल और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज मैं बनाऊंगी इंस्टेंट लहसुन मिर्ची तड़का आलू मेथी की रेसिपी। बहुत ही यमी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। सो चलिए देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने लाल सूखी मिर्ची एक ली है, हरी मिर्ची मैंने इसके लिए दो ली है, लहसुन मैंने इसके लिए 15 से 16 लिया है, लंबा लंबा कट किया है, और अदरक मैंने इसके लिए एक स्मॉल पीस लिया है, उसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और मेथी मैंने इसके लिए आधा बंच लिया है, और आलू मैंने इसके लिए 300 ग्राम लिया है। इनको भी धोकर कट करके मैंने रख लिया है। सो ये सब चीज़ें हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। सो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने सरसों का तेल लिया है आलू को फ्राई करने के लिए, और अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। सो इसको फ्राई करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप उस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसको डीप फ्राई किया है। सो देखिए ये फ्राई हो चुके हैं अच्छे तरीके से, मैं इन्हें अब निकाल लेती हूँ। सो चलिए अब हम मेथी की जो आलू मेथी की रेसिपी है उसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कढ़ाई 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है, हींग मैंने इसमें 1 पिंच ऐड किया है, जीरा मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून ऐड किया है, और अब मैं इसमें गार्लिक क्लोव्स डाल लूँगी। इसको थोड़ा सा डार्क कलर हो जाने तक हमें इसे भूनना है। सो देखिए इस तरीके से आप भून लें, और इसमें आज मैं नया टिप्स डालूँगी। आज मैं इसमें सबसे पहले हल्दी डालूंगी, और रेड चिली और हरी चिली जो लाल चिली है दोनों मैंने इसमें डाल दिया है। इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मिर्ची का अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाए। और अब मैंने इसमें चॉप की हुई मेथी भी ऐड कर दी है। हल्दी को आप पहले ऐड कर दें तभी इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। सो देखिए इस तरीके से करने के बाद अब मैं मसाले ऐड करूंगी। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून तीखी वाली, और गरम मसाला मैं इसमें 1/4 यूज़ करूंगी। नमक मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्ची इसमें डाल लें। सो इसको मिला लेंगे अच्छे तरीके से, और अब मैं इसमें फ्राई किए हुए आलू भी ऐड कर दूंगी। सो अच्छे से इसको अब मिक्स कर दें। अब हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट ही लगेंगे बनाने में, अदरवाइज रेसिपी हमारे बिल्कुल रेडी है। सो अब मैं इसमें 1/4 बाउल पानी डाल दिया है मैंने, ताकि कुछ कच्चा होगा तो वो पक जाएगा अच्छे तरीके से। सो अब इसे ढक दूंगी, 2 से 3 मिनट तक के लिए ही पकाऊंगी, और लो फ्लेम पे पकाना है हमें इसे। देखिए कलर कितना बढ़िया लग रहा है ना इसका, हल्दी डालने से यही फ़ायदा होता है, कलर भी बहुत बढ़िया आता है, और हमारी हेल्थ के लिए भी हल्दी बहुत अच्छी होती है। सो देखिए अब मैं इसको बीच में चला चला कर 2 बार पका लूँगी अच्छे तरीके से। 2 से 3 मिनट ही पकाएं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनने में अब। सो देखिए रेसिपी लगभग हमारी रेडी है, कलर भी इसका बहुत बढ़िया सा आया है, आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं, मेथी भी अच्छे तरीके से पक चुकी है। सो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना कलर। इस तरीके से आप भी ज़रूर बना के देखें, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसमें आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। सो रेसिपी मेरी रेडी है, 10 मिनट का मैं इसे अब रेस्ट दूंगी। वाओ देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस बनी है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, या पूड़ी के साथ, किसी के साथ भी खाइए, नाश्ते में भी खा सकते हैं, लंच में भी, डिनर में भी, बहुत टेस्टी ये बनी है। सो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके रिगार्डिंग अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये रेसिपी बहुत आसान है, बहुत टेस्टी बनती है, जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है। सो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जोश ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक में मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मेरी रेसिपीज इजीली देखने को मिल जाएंगी। सो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए आप, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि कैसी बनी है। और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अपना ध्यान रखिए।